हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोले की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और सबको पसंद आते हैं। और ये छोले हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, तो आप भी मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे छोले। इस छोले को मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था, तो यहाँ पर मैंने करीबन 1 कप जितने छोले लिए हैं और ये छोले अच्छे से भीग भी गए हैं। तो इसके बाद इसका मैं पानी निकाल दूंगी। तो यहाँ पे हमें छोले को बॉईल करना है, तो यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर में 2 से 2.5 गिलास जितना पानी डालूंगी और पानी को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। इसके बाद 1/2 टेबल स्पून जितना यहाँ पे मैं नमक डालूंगी और चम्मच की मदद से मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने जो छोले भिगो के रखे थे वो डाल देंगे और फिर से अच्छे से मिलाने के बाद इसका प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। छोले को बॉईल करते समय यहाँ पे आपको गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और प्रेशर कुकर में 5 से 7 सीटी बजानी है। तो 5 से 7 सीटी में ये हमारे छोले अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। तो 5 से 7 सीटी बजने के बाद ये हमारे छोले अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले कुकर को ठंडा कर लिया था, तो चेक कर लेते हैं कि ये हमारे छोले अच्छे से बन गए हैं कि नहीं। तो अच्छे से ये हमारे छोले बन गए हैं, तो इसको मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैं एक पैन लूँगी और इसमें मैं 4 से 5 टेबल स्पून जितना तेल डालूँगी। तो यहाँ पे आपको तेल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना है। इसके बाद 1/2 टेबल स्पून जीरा, 3 से 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा। तो यहाँ पे मैंने एक तेज़पत्ता लिया है, तो ये तेज़पत्ता थोड़ा बड़ा था तो इसको मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। इसके बाद 5 से 6 यहाँ पे कड़ी पत्ते डालूँगी, 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैं हींग। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक बड़ा ग्रेट किया हुआ प्याज डाला है। आप चाहो तो प्याज की प्यूरी बना कर भी आप इसमें डाल सकते हैं और आप इसे बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज को 1 या 2 मिनट के लिए गैस के मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। तो आप देख सकते हैं इसमें तेल निकलना शुरू हो गया है और बीच बीच में आप इस प्याज को मिलाते रहिए। और ये हमारा प्याज भी अच्छे से पक गया है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून जितना अदरक, मिर्च और लहसुन की पेस्ट डालूँगी। इसके बाद प्याज और पेस्ट को हम मिक्स कर देंगे। तो इस पेस्ट डालने के बाद इसे भी हमें 1 मिनट के लिए गैस के मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे प्याज और अदरक मिर्ची की पेस्ट अच्छे से पक चुकी है। इसके बाद ही हम इसमें डालेंगे 2 बड़े टमाटर की प्यूरी, इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया था टमाटर को भी, और अच्छे से मिला देंगे। आप चाहो तो आप मिक्सी में भी टमाटर की प्यूरी बना सकते हैं। और टमाटर को भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर को ग्रेट कर लिया था और बीच बीच में आपको इसे मिलाते रहना है। तो यहाँ पे प्याज और टमाटर अच्छे से पकने वाले हैं अभी, और ऊपर से तेल भी आना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से पक चुके हैं और ऊपर से थोड़ा तेल भी निकल गया है। इसके बाद यहाँ पे सारे मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और इसके बाद 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। आप यहाँ पर तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैं गरम मसाला डालूँगी, 1/2 टीस्पून चीनी और टेस्ट अनुसार यहाँ पे आपको नमक डालना है। तो यहाँ पे प्याज और टमाटर की ग्रेवी के अनुसार आपको इसमें नमक डालना है, क्योंकि हमने छोले में पहले से ही नमक डाला था इसलिए। तो यहाँ पर आप ग्रेवी के अनुसार इसमें नमक डालिए। तो यहाँ पर ग्रेवी अच्छे से बन गई है 1 या 2 मिनट के बाद, और ऊपर से तेल भी निकलना शुरू हो गया है। इसके बाद ही हमें इसमें छोले डालने हैं।
तो ये हमारे छोले अच्छे से बॉईल कर लिए थे हमने, वो डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। और मसालों के साथ मिलाने के बाद इसको हमें एक मिनट के लिए गैस के मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। और थोड़ा सा इसके बाद मैश कर लेंगे। तो मैश करने से क्या होता है कि ये हमारे छोले हैं वो बहुत ही ग्रेवी वाले बनेंगे। आप जब भी छोले बनाओ तो थोड़ा सा इसको मैश कर दीजिए और अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं आधा ग्लास जितना पानी डालूँगी और इसके बाद इसको मिला देंगे। पानी डालने के बाद इसको हमें अच्छे से बॉईल करना है जब तक ये थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी ना हो जाए तब तक। तो आप देख सकते हैं ये हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। तो इस और ये हमारे छोले बनके रेडी है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं बारीक कटा हुआ धनिया डाल दूँगी और यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी छोले बनके रेडी है। तो इसको हम सर्विंग प्लेट में डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने छोले को रोटी के साथ सर्व किया है और गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर मैं बारीक कटा हुआ धनिया थोड़ा सा डाल दूँगी और यहाँ पे मैं 3 प्याज की स्लाइस रख दूँगी। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी छोले बनके रेडी है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं और बनाना बहुत ही इजी भी है। और आपको मेरी ये छोले की रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो घर पर ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और खाने में बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, फैमिली और फ्रेंड के साथ ये रेसिपी को शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड वाले बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना।